सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो आज बहुत दिनों बाद हमारा ये ब्लॉग आ रहा है और आई होप आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग जो ए ब्लॉग प्रीमियर लेख का था वो बहुत एंजॉय किया होगा। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्रथमेश आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे चैनल PPL ब्लॉग्स पर। तो गाइज, आज आप थोड़े से शॉक भी हो रहे कि मेरा इस फेस का हालत मैंने क्या किया है। या मैंने बहुत क्लीन शेव किया और मैंने जो है अपने शॉर्ट हेयर कट कर दिए बहुत सारे ड्यू टू सम रीजंस, आपको बता दूंगा अगले ब्लॉग में वगैरह। तो गाइज, आज का कंटेंट बहुत भारी है। आज मैं जा रहा हूँ इनोवा में और हमारे साथ आज नए फेसेस है, दो नए फेसेस। एक फेस जो है वो कॉमन है, रोशन करके। तो आज मेरे दोस्त का रोशन का बर्थडे है, तो हम जा रहे हैं एक ऐसे NGO में जहाँ पे हम रोशन अपने बर्थडे के दिन पर कुछ तो देना चाहेगा गिफ्ट बच्चों के लिए। तो आज हमारे नए फेसेस है ब्लॉग में, ये है बाबा भाई मंगेश कामले और ये जो है इमरान भाई। हाय हाय गाइस। तो इन दोनों को आपने ब्लॉग में पहले नहीं देखा होगा। रोशन को तो आपने अराउंड 2-3 ब्लॉग्स में मेरे देखा हुआ है, एक ब्लॉगर स्ट्रगल्स में और पिछला ब्लॉग जो APL का है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग ओवर हियर। गाइस, जो NGO है ये बेसिकली कलवा में है, जो ठाणे के आगे जो एक स्टेशन होता है कलवा में, अराउंड कुरला से अराउंड 45-50 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। NGO का नाम जो है वो रोटी घर नाम है। आपको जो मैं अगला सब हमारे साथ जो हम कुछ भी एक्शंस करेंगे वगैरह जो हमारे साथ होगा आपको तो वीडियो में देखना ही होगा, देखने तो मिलेगा ही ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट से देखना तो आपका हक तो ज़रूर बनता है। तो गाइस, करंटली अभी हम लोग ऐसे एक प्लेस पे रुके हैं जो कि है केक शॉप पीछे, रिबन्स एंड बलून्स का। तो रोशन ने जो है कुछ स्प्राउटेड एंड पल्सेस भी कैरी किए हैं बड़े बड़े आई थिंक सैक्स में, अराउंड कुछ है केजीज, मेरे को पता नहीं कितना एग्जैक्टली, लेकिन दो हमारे जो गाड़ी में है पीछे। तो यहाँ पर अभी हम ले रहे हैं कुछ केक्स। आपको मैं बर्थडे बॉय से मिलाता हूँ, बर्थडे बॉय। तो गाइस, ये है रोशन, PPL आर्मी की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू प्रकट जी, राजा हार्दिक शुभेच्छा। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तुम जियो हजारों साल, साल की उम्र 50,000 साल, बस आले ना 50,000 लास्ट झाले का फ्री मध्ये विशेष आहेत फक्त रे, एवढा नको ठीक आहे ना यार, 50-60 साल ठीक आहे काय। हां, स्ट्रीट किंग। तो अभी हम लोग वो ले रहे हैं और यहाँ से जल्द से निकल के, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग जो है वो लेट रन कर रहे हैं, अराउंड 12:15 हो चुके हैं, 12 o'clock का वहाँ पे टाइमिंग था। तो लेट्स यहाँ से लेके जल्दी ही मिलते वहाँ पे डायरेक्टली। तो गाइज, अभी हम लोग जो है लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। लोकेशन आप देख सकते हो, ये मेरा पीछे जो है आप ये जो लोकेशन है ये कलवा खाड़ी है, इसके जस्ट एग्जैक्ट बाजू में जो है ये रोटी घर NGO। तो अभी हम अंदर जाने वाले हैं, लेट्स गो इनसाइड। ऐसा कुछ तो एंट्रेंस गेट है यहाँ पे NGO का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब फैमिलीज भी दिखाई दे रही है मुझे। तो फाइनली अभी हम लोग जो है वो एंट्रेंस के अंदर आ चुके हैं इस NGO के अंदर। पीछे हमारे आसपास में बच्चे जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से गैदर हो चुके हैं, रोशन को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। एवरीवन इज बीन एक्साइटेड। आप लोगों का मास्क किधर है? मास्क पहनो सब लोग, मास्क पहनो। हाँ, मास्क पहनो जल्दी। आप लोगों का देखना जरूर, आप लोगों को भी यूट्यूब पे PPL vlogs. PPL vlogs. PPL. वो भाई को बर्थडे विश किया क्या? हाँ। या क्या? हाँ। वापस जाके जो रिश्ते बोलो हैप्पी बर्थडे। अरे
तो अभी करंटली हम लोग ने यहाँ पे अंदर सिर्फ जो केक्स लिया है, जो अभी बीच में हम लोग ने स्टॉप लिया था, सिर्फ केक्स का जो लिया है वही अंदर लाया हुआ है। जो चावल की गोनी और कोई तो आई थिंक एक कड़धान्य जैसे बोले थे वो भी हमारे गाड़ी में ही है सैक, वो तो अभी हम लोग ने इनसाइड नहीं लाया है, बिकॉज जो कोई मैन था वो ब्लैक टी शर्ट में जो है लड़का, उन्होंने हमें हेल्प की यहाँ पे आने के लिए, तो वो कुछ परमिशन लेना चाह रहे हैं, तो जस्ट वो परमिशन एक्सेप्ट होने पर वो जो है सैक यहाँ पे डाला जाएगा और इनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी हमारे रोशन की तरफ से जन्मदिन के मुहूर्त पर। अच्छा फोटो निकाल दो, निकालेंगे ना सब लोग खाने के लिए। तो गाइस अभी जो है वो एनजीओ के बच्चों के लिए ना खाना बाहर से प्रोवाइड किया जाता है हर रोज़, तो हम उसके लिए वेट कर रहे हैं। बच्चे देख सकते हैं वहाँ पे सब रेडी है लाइन बाय लाइन यहाँ पे थाली लेके। तो हमने जो डिसाइड किया है कि जब उन्हों पर खाना परोसा जाएगा, जो गाड़ी आएगी वहाँ से, खाने में कोई दाल चावल रहता है, खिचड़ी वगैरह, तो उसके साथ जो वो केक भी हम यहाँ पर देंगे वन बाय वन। तो आप पीछे गाड़ी देख सकते हो यहाँ पर, ये जो गाड़ी आई है खाने की गाड़ी है, येलो कलर की वैन है रोटी घर, तो मैं आपको उसका लुकआउट तो ज़रूर दिखाऊंगा। ये गाड़ी अंदर ही आ रही है और रोटी घर जैसे मैंने कहा था ये एनजीओ का नाम है। रोशन तो चले गया वहाँ पे, तो ये जो है पीछे गाड़ी जो दिख रही है आपकी, ये जो गाड़ी है रोटी घर, यहाँ इस गाड़ी में खाना आया हुआ है बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हो बच्चे बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे। धरती तू चलाता है मेरी भी सुन ले, अरज मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। गाइस आप देख सकते हो पीछे जो है वो खाना परोसा जा रहा है मेरे तीन फ्रेंड्स के साथ, वो जो मेन थे अंकुर भाई करके। तो मुझे इस एक बात का ना बहुत अच्छा लगा कि मतलब खाना परोसने से पहले जो बच्चों ने जो लाइन लगाई नहीं यहाँ पे, तो खाना खाने से पहले उनको बुला गया कि भाई प्लीज़ हाथ जोड़ो, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई मतलब थैंक्स गॉड। तो ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मतलब जाने दो। मैं पूजा करूं या नमाज़े पढ़ूं, अरदास करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ,
भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। चलो अंगूर भाई, थैंक यू। तो गाइस मेरे साथ अभी एक अंकुर भाई है, वो कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे खुद के बारे में, बिकॉज मुझे बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है उनका जो रोल प्ले कर रहे हैं ये एनजीओ में। अंकुर भाई प्लीज़ बता दो हमारे पब्लिक के लिए। हेलो, मेरा नाम अंकुर अजग है, मैं खुशिया फाउंडेशन से मैं वॉलंटियर करता हूँ, कोर टीम हूँ यहाँ पे। पिछले हम लोग 3 साल से यहाँ पे हम लोग खाना बांट रहे हैं, हम जैसा हम सिर्फ खाने नहीं बांटते, हम इसके अलावा जैसा क्लीन अप भी करते हैं, जो हम दादर बीच हुआ, जो भी हमारे जो मुंबई में जितने भी बीचेस हैं, हम डेली वीकली में ऐसा डेली हम ऐसा सैटरडे संडे हुआ हम डेली ऐसा क्लीन अप करते हैं। और रोटी का जैसा हुआ हम यहाँ पे हर बच्चे जैसा हर लोकेशन पर 100 बच्चे रहते हैं, हर लोकेशन से मुंबई में जितने भी 5 लोकेशन वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसा हमारा डेली प्रोजेक्ट है, हमारे 10 या 9 प्रोजेक्ट है टोटल, तो हम हमारा जो डेली वर्क रहता है वैसा हम प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। ओके, तो आपने सुना होगा इनके जो उन्होंने जब कहा बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक दोस्त आपके लिए, जो भी आप करो आगे लाइफ में बहुत आपको सक्सेस मिलेगा। और अगर गाइस आपको भी ऐसा लग रहा है कोई चैरिटी करना है, कुछ डोनेट करना है यहाँ पे आके, तो मैं अंकुर भाई का नंबर जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा, तो प्लीज़ श्योर एक बार कॉल करके देखना, और आपकी कोई स्पेशल डे पे आके ज़रूर विजिट करना। थैंक यू। तो गाइस ब्लॉग के स्टार्ट में मैंने कुछ कहा था आपसे कि रोशन ने कुछ स्प्राउटेड एंड पल्सेस लाया, वो थोड़ा सा सस्पेंस रखा था मेरे साथ भी, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चला कि रोशन ऑयल लेके आया था, गेहूँ लेके आया था, चावल लेके आया, बिस्किट्स लेके आया। तो यू गाइस मे बी वंडरिंग अबाउट वो हमने जो वो सैक थे हमारे जो बड़े इसके, तो हमने वो टेम्पो में क्यों डाले, तो बेसिकली वो जो गाड़ी थी वो रोटी घर की ही गाड़ी थी, तो पकाया हुआ फूड जो है वो उस गाड़ी से आता है हर रोज़, तो वहाँ पे अगर हम डाल देते तो वहाँ पे उतरा देते तो वो इट वाज नॉट ओके, बिकॉज वहाँ पे कुछ पकाया नहीं जाता है, तो वो गाड़ी पे हम लोग ने शिफ्ट कर दिया और उनके हवाले कर दिया कि आप इसकी थोड़ी सी हमारी तरफ से एक हेल्प ले लो और बच्चों को खिला दो। फ्रेंड्स आपसे कुछ कहना चाहते हो, क्या कहना चाहोगे आप हमारे दोस्तों से? मंगेश भाई तो आज रोशन का चांगला बर्थडे वगैरह होता, आणि आज त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांनी बर्थडे त्याचा सेलिब्रेट केलेला आहे, चांगल्या म्हणजे गरीब पोरांना त्यांनी केक वगैरे दिलेले आहेत, धान्य वगैरे दिलेले आहेत, आणि असंच सर्वांनी करावं। आज या लॉकडाऊनच्या पद्धतीत कोणाला खायला वगैरे काय भेटत नाही आहे, खूप प्रॉब्लेम खूप चालू आहेत, आणि त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांनी त्याचा बर्थडे सेलिब्रेट केलेला आहे, तेवढंच बोलायचं। ओके, थँक्यू। इमरान भाई आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हाय फ्रेंड्स, बहुत अच्छा नोबल कॉज था ये, बेसिकली रोशन मेरे फ्रेंड का ये आइडिया था कि हम लोग इस बार सेलिब्रेशन जो है वो गरीब बच्चों लोग के साथ करते हैं, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक का पीरियड चल रहा है उस वजह से जो बेसिक गरीब लोग हैं जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, उनके लिए कुछ किया जाए, तो उसी तरह का हम लोगों ने कुछ ऐसा प्लान किया था और गरीब बच्चों के साथ में वक्त बिता के काफ़ी अच्छा लगा। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ बर्थडे हो या कुछ ऐसा फेस्टिवल हो तभी नहीं जाके उनको सपोर्ट किया जाए, हालांकि एवरी टाइम उनको ऐसा सपोर्ट किया जाए। वहाँ जाके हमको रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो खुशी है उनसे हमको कितना मन में शांति और कितना सुकून मिला। ओके, थैंक यू। तो अभी बात करेंगे हम बर्थडे बॉय से।
तो रोशन, आज तेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, तूने जाके उनकी हेल्प की वगैरह, तो तेको आज कैसे लग रहा है? बेटर फील कर रहा हूँ मैं, और मेरे दोस्तों के साथ मुझे और मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा फील हुआ कि हाँ कि वो लोग भी मेरे साथ है, वो लोग भी एंजॉय कर रही है, उस हिसाब से मैंने सेलिब्रेट किया। ओके, तो तेरा बर्थडे जो है हमने बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया, मज़ा आ गया। तो गाइस, मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आपकी इच्छा भी हुआ रहेगा कुछ भी, मतलब आपको मन से लगता है कुछ जाके डोनेट करना है, कुछ गिफ्ट देना है, तो दे सकता हो गिफ्ट, लाइक एजुकेशनल हो या फूड हो या कुछ भी, या क्लॉथ्स भी हो। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ओके। और जाते जाते रुको जरा, रोटी घर का जो डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और अंकुर का नंबर मैंने आपको तो वीडियो में बताया है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। एंड लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ, वेयर मास्क एंड वर्क हार्ड टिल योर नेम बिकम्स योर ब्रांड। दैट्स ऑल फॉर द ब्लॉग, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए दिन, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।